अस्सलामुअलैकुम एडीएस, आप लोग कैसे हैं? आप लोगों का लेक्चर जो है ना आज से मैं लूँगी, तो मेरे उम्मीद है कि नोट्स होंगे सबके पास जो आप लोगों ने बुक शॉप से ले लिए होंगे। आज आपका टॉपिक है स्टोरेज डिवाइसेस। इसने डेफिनेशन दी हुई है और उसकी टाइप्स दी हुई हैं और आगे इनको फर्दर जो है ना एक्सप्लेन किया हुआ है उसकी टाइप्स को, ठीक है। तो बेसिकली ये है कि आप लोगों ने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में भी पढ़ी होगी, तो आपने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में पढ़ा हुआ स्टोरेज डिवाइसेस का, इनके नाम तक टाइप्स तक तो पढ़ा था लेकिन आगे इनकी डिटेल्स जो है ना वो नहीं पढ़ी होगी। डेफिनेशन में देखें इसको वाइडली जो है ना एक्सप्लेन किया हुआ है, बताया हुआ है आपको कि कंप्यूटर की स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं वो हार्डवेयर होती हैं जो जहाँ पर डाटा स्टोर होता है। द मोस्ट कॉमन स्टोरेज डिवाइस जो है ना नियरली कंप्यूटर है हार्ड ड्राइव है। कंप्यूटर इज प्राइमरी हार्ड ड्राइव स्टोर टू ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशन फाइल्स फोल्डर फॉर यूजर द कंप्यूटर वाइल द हार्ड ड्राइव इज द मोस्ट ऑफ आर स्टोरेज सेवरल अदर टाइप्स आर कॉमन एज वेल फ्लैश मेमोरी डिवाइसेस सच एज USB कीचेन ड्राइवर एंड iPod नैनोज आर पॉपुलर वेज टू स्टोर डाटा इन अ स्मॉल मोबाइल फॉर्मेट। अदर टाइप्स ऑफ फ्लैश मेमोरी सच एज कम्पैक्ट फ्लैश एंड SD कार्ड। एक जो उसकी टाइप है फ्लैश मेमोरी की वह USB ड्राइव iPod नैनोस, दूसरी जो उसकी है ना फ्लैश मेमोरी की वो है कम्पैक्ट फ्लैश और जो है ऐसे कहते हैं SD कार्ड जो आपके फ़ोन मोबाइल फ़ोन में लोग मतलब आप लोग डालते हैं। आर पॉपुलर वेज टू स्टोरेज इमेजेस टेकन बाय डिजिटल कैमराज। एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव्स अब क्या होती हैं, वो कहता है एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव्स होते हैं कनेक्ट वाया फायर वायर एंड USB आर आल्सो कॉमन। दीज टाइप्स ऑफ ड्राइव्स आर ऑफन यूज्ड फॉर बैकिंग अप इंटरनल हार्ड ड्राइव्स वीडियो फोटोज लाइब्रेरीज और फॉर सिंपली एडिंग एक्स्ट्रा स्टोरेज। फाइनली टेप ड्राइव्स विच यूज रील्स ऑफ टेप यानी कि आपने देखा होगा जो पहले होते थे कैमराज होते थे उनमें एक रील डलती थी तो आपकी जो है ना मतलब पिक्चर्स उस पर कॉपी हो जाती थी, उसके कुछ दिन बाद वो आपको प्रिंट करके देते थे। तो यहाँ पे वो ये कह रहा है कि जो उस टेप की जो रील्स होंगी ना वो स्टोर करती हैं डाटा को। और अनदर टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस एंड आर टिपिकली यूज्ड फॉर बैकिंग अप डाटा। अब नीचे से टाइप्स के नेम बताए हुए हैं आपको, हार्ड ड्राइव है जिसे शॉर्ट फॉर्म में आप STD भी बोलते हैं, सॉलिड स्टेट ड्राइव है, रैंडम एक्सेस मेमोरी जिसे आप RAM बोलते हैं, CD है, DVD है, ब्लू रे डिस्क हैं, DVD RAM है, ROM है, ROM होता है रीड ओनली मेमोरी मतलब जिसे आप सिर्फ रीड कर सकते हैं तो कुछ राइट नहीं हो सकता, USB फ्लैश मेमोरी, ठीक है। नेक्स्ट देखें आपको उसने बताया हुआ है, इसको एक्सप्लेन किया हुआ है हार्ड डिस्क को, ये आपको नज़र आ रहा होगा आपके नोट्स पे सेकंड पेज ही है, डायग्राम भी बनी हुई है ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि किस तरह से होता है। ये जो आपको नज़र आ रहा है इसके ऊपर पंच हो रहा है, ये मतलब डॉट्स की पिक्सल्स की फॉर्म में जो है ना इस पर मैट्रिक्स पे डाटा ये यूँ सर्कल में रोल करती है जो है हार्ड डिस्क उस पर वो पंच करता जाता है मतलब डाटा स्टोर होता जाता है। आगे उसने इसकी एक्सप्लेनेशन लिखी हुई, देखें हार्ड डिस्क ड्राइव्स आर नॉन वोलेटाइल मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस capable of remembering vast amount of data and electromagnet in the read and write head charges the desk surface with either positive negative charge. This is how binary में हमने आपको मतलब पढ़ा होगा आप लोगों ने फर्स्ट एंड सेकेंड में 0 और 1 को बोलते हैं binary form जो है, इस रिप्रेजेंटेटेड द रीड और राइट हैड इज देन कैपेबल ऑफ डिटेक्टिंग मैग्नेटिक चार्जेस लेफ्ट ऑन द डिस्क सर्फेस। This is how data is read. The disk surface is divided detecting magnetic charges left on surface divided into concentric circles, tracks and sectors. यानी कि wedges जो उसके होते हैं dividing the surface in this way provides physical address to remember where data is saved. A circuit board carefully coordinate the rotating disk and swinging actuator arm to allow read to head access any location very quickly.
ये जो डायग्राम में आपको दिखाया हुआ है ना, ये उसकी बात कर रहा है। ये देखिए, जहाँ आप मतलब से रिट्रेट करा के मूव कराना चाहें ईजीली जो है ना वो कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, मैं कहता हूँ टिपिकल एच डी डी कैपेसिटीज आर मेजर्ड इन टेराबाइट्स। ये भी आपने यूनिट्स जो है ना फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे, जो आपका फर्स्ट चैप्टर है उसके एंड में यही है, यूनिट्स हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि किस चीज़ में ना मेजर किया जाता है इसको। आगे देखिए, उन्होंने कहा दे कैन बी इंस्टॉल्ड इन साइड अ कंप्यूटर परचेस्ड इन अ पोर्टेबल एक्सटर्नल फॉर्मेट। अच्छा, नेक्स्ट उसने अब आपको बताया हुआ है टिपिकल एप्लीकेशन फॉर हार्ड डिस्क ड्राइवर्स। ये इसने आपको बताया हुआ है डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, लैपटॉप कंप्यूटर्स, टीवी एंड सैटेलाइट रिकॉर्डर्स, सर्वर्स एंड मेनफ्रेम्स, पोर्टेबल एक्सटर्नल ड्राइवर्स समटाइम्स यूज्ड टू बैकअप होम कंप्यूटर ट्रांसफर लार्ज फाइल्स। बेनिफिट्स हार्ड डिस्क, क्या बेनिफिट्स आगे आपने देखने हार्ड डिस्क के, दी चार बेनिफिट आपके पास दिए हैं उन्होंने, और जो है ना आपके पास फाइव उन्होंने इसके ड्रॉबैक्स दिए हुए हैं। ये आप लोगों ने कर लेने हैं, यहाँ तक आप लोगों ने ना कर लेना है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे कल सॉलिड स्टेट ड्राइव से, ठीक है। और आप लोगों ने जो है ना, अगर कुछ समझ नहीं आया तो व्हाट्सएप जो आपका ग्रुप है वहाँ पर आपने रिस्पॉन्स करने हैं, क्वेश्चन करने हैं, और अगर समझ आ गया तो यानी कि प्रिपेयर कर लेना इसको, तो आपकी इसकी क्विज या असाइनमेंट होगी कोई छोटी सी, वो मैं आपको बाद में बता दूंगी, ठीक है। और कल ये टॉपिक प्रिपेयर होना चाहिए जो मैंने आपको करवाया। कल मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।